नमस्कार मैं प्रिया, आज है 5 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्नातक और इंजीनियरिंग पास के लिए 119 पदों के लिए निकाली गई रिक्तियां। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डिप्लोमा स्नातक और इंजीनियरिंग डिग्री धारक के लिए 119 अप्रेंटिस पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में नवंबर 2017, 18, 19 और 2020 में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें यह भर्तियां 1 साल के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारत डायनामिक्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.mhrdnats.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रहे आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है जो कि 20 नवंबर तक जारी रहेगी। दिवाली छठ में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने जारी की खुशखबरी। दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर घर आने की इच्छा रखने वाले आम नागरिकों के लिए रेलवे ने झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 9 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में करवाने का फैसला लिया है, जिसके बाद धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस, बरकाकाना पटना पलामू एक्सप्रेस, सिरगौली पटना एक्सप्रेस, हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, हटिया पूर्णिया कोट कोसी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना टाटा एक्सप्रेस और एक अन्य ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। बिहार के वैशाली जिले के विशाल फोर्ट में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विशाल किला भारत के बिहार राज्य में वैशाली में स्थित शानदार किलों में से एक है। राजा विशाल द्वारा निर्मित किला लगभग 1 किलोमीटर की परिधि के साथ एक विशाल टीले से घिरा हुआ है। स्मारक को लिच्छवियों के संसद के रूप में संबोधित किया जाता है, जहां लोग प्राचीन गणराज्य की चर्चा और विनियमन करते थे। इसके अलावा इसे पर्यटक के लिए एक संग्रहालय मिला है, जहां कोई भी इस जगह की विभिन्न सुंदर और ऐतिहासिक कलाकृतियों का पता लगा सकता है। एक अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कार बिहार के विशाल किला सभी के लिए स्मारक के रूप में देखने लायक है। बीएड धारक शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने बीएड धारक शिक्षकों के पक्ष में बीते दिन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली को ध्यान में रखते हुए सुनाए गए फैसले में जस्टिस एसके उपाध्याय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जाए और इसी के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जिसके परिणाम स्वरूप अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए बीएड धारकों को भी शामिल कर एक ही मेरिट लिस्ट बनाकर बहाली करने का निर्देश दिया है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,19,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 541 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,19,505 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 31, अरवल में 8, औरंगाबाद में 14, बांका में 3, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 17, भोजपुर में 3, बक्सर में 6, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 15, गया में 23, गोपालगंज में 7, जमुई में 7, जहानाबाद में 12, कैमूर में 2, कटिहार में 11, खगड़िया में 3, किशनगंज में 7, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 24, मधुबनी में 22, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 9, नवादा में 12, पटना में 98, पूर्णिया में 24, रोहतास में 17, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 16, सारण में 9, शेखपुरा में 5, शिवहर में और सीतामढ़ी में 10, सिवान में 1, सुपौल में 4, वैशाली में 13, पश्चिम चंपारण में 7 मामले सामने आए हैं। वहीं अब बिहार में कुल मिलाकर 7,541 सक्रिय मामले बचे हैं। आज शाम थम जाएंगे सभी तरह के चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ गया है। इसी क्रम में 2 चरणों के सफलतापूर्वक मतदान के बाद तीसरे चरण के मतदान की तैयारी जारी है। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से जारी जनसभाओं और प्रचार प्रसार पर आज रोक लगने वाली है, जिसके तहत आज शाम को प्रचार प्रसार रोक दिए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को करवाया जाएगा। इसके साथ ही 10 नवंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कुल मिलाकर 78 सीटों के लिए मतदान करवाए जाएंगे। पार्टी विरोधी काम करते पाए गए 33 नेताओं को नीतीश कुमार ने दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी नेताओं की मनमानी जदयू एकदम बर्दाश्त नहीं करने वाली है, जिसका संकेत जदयू हर बार देते आई है। वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त 33 नेताओं के खिलाफ सख्ती दिखाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सख्ती का प्रमाण पेश कर दिया है। आलाकमान को जैसे ही इन नेताओं के पार्टी विरोधी गतिविधियों का पता चला, वैसे ही इन नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। साथ ही 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार ने दे दी है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कावेरी झा की। कावेरी झा का जन्म बिहार में हुआ था। कावेरी झा एक भारतीय मॉडल, फिल्म अभिनेत्री और एयर हॉस्टेस है, जो हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। वो साल 2005 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में सुश्री व्यक्तित्व पुरस्कार जीतने के लिए चली गई थी। पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कुछ संगीत वीडियो में भी दिखाई दी थी। उन्होंने साजिद खान के साथ एक टीवी शो की भी मेजबानी की। प्रियदर्शन के भूल भुलैया में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई देने के बाद उन्होंने पर्दे पर शाइनी आहूजा की पत्नी की भूमिका निभाई। इसके साथ ही हाईजैक में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत उन्होंने की थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। आज ही के दिन 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयॉर्क की यात्रा की थी। 2001 में भारत तथा रूस ने अफगान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंजूर की थी। 1870 में महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास का जन्म हुआ था। 1917 में हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का जन्म हुआ था। 1988 में भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली का जन्म हुआ था। 2011 में भारत रत्न से सम्मानित मशहूर संगीतकार भूपेन हजारिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बात पर नहीं बने रहने की कही बात। तीसरे और आखिरी चरण के चुनावी सभा का आयोजन एक के बाद एक करवाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी जनसभा का संबोधन करने मैदान में उतरे थे। वहीं उन्होंने चुनावी सभा की शुरुआत बिहारीगंज से की थी, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यहां के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन दिया नहीं। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वो रोजगार देंगे, मगर वो भी पलट गए। मगर झूठ का जीवन ज्यादा समय तक नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की एक के बाद एक कई रैलियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे और आखिरी चरण के तहत एक के बाद एक जनसभाओं का संबोधन करते नजर आए, जहां उन्होंने सभी लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की ही, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पहले तो लालटेन जला करता था, अब तो हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है हमने। इसके साथ ही उन्होंने मदरसा के शिक्षकों का भी मुद्दा उठाया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मदरसा के शिक्षकों को अपमानित किया गया, मगर हमने आपको सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि हमने अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे सतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं पूर्व सीएम सतीश प्रसाद का बीते दिन अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सतीश प्रसाद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करवाया गया। यह अंतिम संस्कार पैतृक गांव खगड़िया के सतीश नगर में करवाया गया। आपको यह भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद के गुजर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की थी। बिहार चुनाव में लोकसभा से भी ज्यादा बरामद हुए पैसे। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 2 चरणों के चुनाव को संपन्न करवाया जा चुका है। वहीं हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी धनबल का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि जानकारों की माने तो इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछले सभी चुनाव के रिकॉर्ड टूट गया है। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार दूसरे चरण तक धनबल के इस्तेमाल की बात की जाए तो बिहार में अब तक 65.22 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 16.68 करोड़ और 2015 के विधानसभा चुनाव में 23.81 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अर्णब गोस्वामी के पकड़े जाने पर गुप्तेश्वर पांडे ने दिया बयान। बीते दिन मुंबई पुलिस ने सालों पहले के एक मामले में अर्णब गोस्वामी को हिरासत में ले लिया है। वहीं अब बिहार में भी अर्णब गोस्वामी को पकड़े जाने पर लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ भाजपा नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के सामने जाकर विरोध किया था, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वाद विवाद, सहमति और असहमति, निंदा, यह सब अपने जगह पर है। आलोचना करने का हक लोकतंत्र में ही है। अर्णब गोस्वामी हो या कोई भी व्यक्ति, लोकतंत्र और इसके संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। जिस तरह से कार्रवाई की गई है, इसकी भर्त्सना करता हूं। आज जेपी नड्डा राजनाथ सिंह की होगी कई चुनावी सभा। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान हो चुका है। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के तहत सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज भाजपा के स्टार प्रचारक भी बिहार की धरती पर कई जनसभाओं का संबोधन करने वाले हैं, जिसके तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे बिहार में कई जनसभाओं का संबोधन करेंगे, जिसकी जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने दे दी है।
तेजस्वी ने अपनी जनसभा में AIMIM प्रमुख पर साधा निशाना। तीसरे और आखिरी चरण के लिए तेजस्वी यादव ने बीते दिन कई जनसभाओं का संबोधन किया। इसी क्रम में वो बीते दिन किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां उन्होंने महागठबंधन को ही वोट देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने AIMIM प्रमुख पर भी जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हैदराबाद में शाहीनबाग जैसा आंदोलन क्यों नहीं हुआ, उस वक्त ओवैसी कहां थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने दूसरे जनसभा में कहा कि इस बार बिहार की जनता में मन बना लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी जाना तय है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा भी किया। पूर्णिया में पप्पू यादव ने खुद ही बिहार की सत्ता संभालने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसी क्रम में पूर्णिया के रानी पत्रा में जाप के संरक्षक पप्पू यादव ने SDPI गठबंधन के उम्मीदवार विजय उड़ाव के लिए जनसभा का संबोधन किया। पप्पू यादव ने इस दौरान अपने गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जमकर वोट मांगा। साथ ही पप्पू यादव ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि सीमांचल की जनता मोदी, नीतीश, लालू या ओवैसी किसी को नहीं जानती। आप सभी सीमांचल के बेटे पप्पू यादव को बिहार की सत्ता संभालने का एक बार मौका दीजिए। अश्विनी कुमार चौबे ने विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। भारत माता की जय पर अब राजनीति शुरू हो गई है, जिसके तहत सत्तारूढ़ पार्टी बार बार भारत माता की जय बोलने पर विपक्ष के गरमाने की बात कह रहे हैं। इसी क्रम में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष के बयानबाजी पर जवाब दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेगा, क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे, तब विपक्ष को खुशी मिलेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाजपा का क्या मुद्दा होगा, ये भाजपा को खुद तय करने की छूट है या अभी भी विपक्ष ही यह तय करेगा। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्सी बचाने की कही बात। बिहार में दो चरणों के चुनाव को लेकर सफलतापूर्वक मतदान करवा लिया गया है। वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार जारी है। वहीं बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री मोदी से झूठ बोलते हैं। वहीं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास अपना काम गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो पीएम मोदी की योजनाओं का श्रेय लेकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कटिहार में गरजे योगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के सफलतापूर्वक मतदान करवाए जाने के बाद अब तीसरे चरण के प्रचार प्रसार जोर शोर से देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतरे, जहां उन्होंने बीते दिन जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में घुसपैठ की समस्या को लेकर कहा कि कटिहार घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राजद को लेकर कहा कि उन्हें केवल अपने परिवार वालों की ही चिंता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया चार्ज लिया वापस। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ समय पहले ही अपना बयान जारी करते हुए 1 नवंबर से लागू किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। इस संबंध में बैंक प्रबंधन ने अपना परिपत्र जारी कर दिया है, साथ ही अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगाए जा रहे चार्ज को तत्कालिक प्रभाव से वापस ले लिया है। बैंक ने अपना बयान जारी करते हुए यह साफ कहा है कि मौजूदा कोविड हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, बैंक ने अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए पिछले महीने ही चार्ज लगाए जाने की बात कही थी। शिखर धवन ने अजिंक्य रहाणे के टीम में शामिल होने पर जताई खुशी। IPL 2020 के क्वालिफायर 1 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरने से एक दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज और इस टूर्नामेंट में लगातार 2 शतक लगा चुके शिखर धवन ने एक बड़ा दावा किया है। बुधवार को शिखर धवन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि अजिंक्य रहाणे टीम में स्थिरता लेकर आए हैं और इससे उन्हें अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी के ओपनिंग करते हुए खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी मिलती है। हाँ बिल्कुल, रहाणे के आने से टीम में स्थिरता आती है। हमारी टीम में इस तरह के अनुभव के साथ मैं खेल को विपक्षी टीम से दूर ले जाने के लिए स्वतंत्र रूप से खेल सकता हूँ। लक्ष्मी के नए गाने बम भोले पर जबरदस्त डांस करते दिखे अक्षय कुमार। फिल्म लक्ष्मी का नया गाना बम भोले रिलीज किया जा चुका है। इसके साथ ही यह गाना चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इस गाने के रिलीज होने के बाद ही बम भोले ट्रेंड करने लगा है। हर कोई अक्षय कुमार के डांस लुक और गाने में उनका हाव भाव की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। गाने का सेट काफी भव्य देखा गया है। अक्षय के गाने में जिस जोश के साथ डांस किया है वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। उनके इस अनोखे अंदाज से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि इस गाने के रिलीज के पहले ही दिन गाने ने 1 मिलियन रिकॉर्ड को पार कर लिया था।
अब किसी से भी आसानी से आप छुपा सकते हैं अपना WhatsApp स्टेटस। WhatsApp यूजर अब अपने स्टेटस को आसानी से छुपा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने स्टेटस को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, हालांकि अब आप आसानी से अपना स्टेटस छुपा सकते हैं, जिसके लिए बस आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जिसके लिए सबसे पहले आप WhatsApp ओपन कर स्टेटस में जाए, टॉप राइट कॉर्नर यानी दाहिने पर सबसे ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें। यहाँ स्टेटस प्राइवेसी ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपके WhatsApp स्टेटस को कौन देख सकता है उसके 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये ऑप्शन माय कॉन्टैक्ट्स, एक्सेप्ट और ओनली शेयर विद है। इन तीनों में से किसी भी विकल्प को चुनकर आप अपने मनचाहे कॉन्टैक्ट्स तक अपने स्टेटस को सीमित रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,900 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,900 रुपए था। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सूरज सिंह, गौतम कुमार, यमुना प्रसाद चौहान, विनय कुमार, विक्रम राज, रविंद्र पासवान, प्रकाश कुमार, सुमन मिश्रा, सोनू कुमार, एनके मुन्ना ऑफिशियल, जोया जमाल, नीतीश कुमार, शैलेश कुमार, नीरज कुमार, शंकर विशाल, कार्तिक यादव, प्रहलाद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने वाले प्लेऑफ मुकाबले में आपके अनुसार किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।